सुना होगा इस यहाँ से रास्ते जाते हैं रूस। अच्छा रूस, अब रूस जाओगे फिलहाल के लिए वापस आना है। हम देखेंगे कहाँ तक हम पहुँचेंगे। अभी आपकी शादी नहीं हुई तो रूस कहाँ से जाओगे। फर्स्टली वहाँ पर आपको जाने के लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत है, निकाह कागज की। अच्छा, आपके पास है ही नहीं तो बाकी बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर और जो देखने को आए हैं इसी कलारूस केव को। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम इंशाल्लाह आपको तफसील से बताएंगे कि ये क्या है, उसके लिए आपको हमारे साथ रहना है। फिलहाल ये इंट्रेंस है इस केव की और मेरे जो दोस्त है वो मुझे कंपेल कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको अंदर भी ले जाता हूँ। लेकिन अंदर इतना लाइट नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है कि हम अंदर भी आपको अच्छी तरह विजुअल दिखा सकें, फिर भी कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखाने की। हाँ, ये गाइड है हमारे। क्या नाम है आपका बेटा, क्या नाम से? मोमिन जावेद। मोमिन जावेद, तो कार पे चुक सीट आसा कोता काल गई सीट आसा इमन लड़कन से थोड़ा सा से दादा दादा गए थे अनसा पाछा देवा से हम का की केन ऐसे कर फ्री एस मौजूद करे मन को से देवा अनसा अनसा तेरे को बारे कोता ता आस जेना दो हा सीट बस जेना जत्रहात जत्रहात तो परा ते आसक से केन अनसा उस न परन त्राव पर से बेखेशी पूर गाइड काम के का कपूर क्या छ अंदर हेको इस अंदर इज अनसा सुचका आ जाओ। और चलो यहाँ पर नीचे से भी एक केव है और ऊपर से भी। हम पहले ऊपर की तरह जाएंगे फिर उसके बाहर देखते हैं। तो देखिए आगे ये केव है जिसके अंदर हम इस वक्त भरपूर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा कठिन सा है। जब भी आएगा थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हेल्प लेने की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि अब वो मार्शल आर्ट जिंदगी नहीं रही है, अब मैं बिल्कुल ही बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे हेल्प के लिए मैं काफी पुराने दोस्त भी है और अल्लाह ताला की मदद होनी चाहिए। तो हम केव को अंदर पूरी तरह से जाने की कोशिश करेंगे। इसके कई सारे रास्ते हैं, हमारे जो दोस्त साथ थे जो हमें गुम हो गए थे वो भी हमें यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं इसलिए यहाँ रस्सी बांध कर भी जाना पड़ता है ताकि हमें पूरा देख सके। इस तरह से ज्यादा उधर इधर जाने की जरूरत नहीं। कैसा लगा? 100 meters उसके बाद भी है बट लाइट की कमी होती है उस वजह से। तो वो तो मैंने पहले ही बताया अरे ऑक्सीजन की जरूरत 100 meters अभी यहाँ से आगे गए। अच्छा, और काफी ठंड है वहाँ, आप अभी खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे जी। अच्छा, टेम्परेचर थोड़ा कम ही है वहाँ पे। अच्छा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लोग भी देखिए। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंदर की जानकारी देने के लिए। हम खुद भी जा रहे हैं इस तरह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है काफी और पानी भी है जो कि आपको पूरी तरह विजुअल नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ नाइटिंगेल्स की खबर दे, हमारा गाइड कह रहा है कि यहाँ पर नाइटिंगेल्स ज्यादातर होते हैं। नाइटिंगेल बहुत ही अंधेरा है मेरे दोस्तों यहाँ पर, जो कि इस केव के अंदर काफी ज्यादा जो है अंधेरा है। और यहाँ रास्ते बहुत सारे हैं, मैंने पहले भी आपको कहा है यहाँ पर गिरने का भी खतरा है और रास्ते भी बहुत ध्यान देके, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। और लाइट्स ठंडी भी यहाँ बहुत है, ठंडी है। तो एक और रास्ता है यहाँ पर, आपको दिखाएंगे क्या। यहाँ पर इंसान डर जाता है, रास्ता बहुत है आगे जाने की तो जगह है, लेकिन यहाँ नाइटिंगेल्स है जिनको जिनका खतरा बना रहता है क्योंकि यहाँ पर लाइट भी कम है, उसकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। फिर भी अगर आप सामने जाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर स्पेक्स लगा कर जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो है आंखों को ही अटैक करते हैं। वत छ बुथ मगर ब्रोट हे इंसान पकित कहीं क्या अत थोड़ा मुश्किल है। स्पेक्स लगाने की जरूरत है। इस वक्त स्पेक्स किसी भी साथी के पास नहीं है जो आगे आपको एक्सपीरियंस करके दिखाते, लेकिन फिर भी अगर आप आगे जाना चाहेंगे तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पेक्स लगा कर जाना पड़ेगा। तो ये देखिए इस केव में यहाँ पर ऊपर जाने के लिए 10-20 feet के
मुसाफात पर ऊपर जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास न रस्सी है न पारे हमारे पास कोई ऐसा स्टेयर है जिसके जरिए से हम ऊपर जा पाएं। तो फिलहाल यहीं से हम क्विट करते हैं, हम वापस जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऊपर जाना और सफोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। तो मैं अपने टीम को यहाँ पर खतरे में जाने की इजाज़त नहीं दे दूँगा। मैं अपनी पूरी टीम को बताना चाहूँगा कि आप यहीं से मुड़िए, तो क्योंकि सफोकेशन का ख़तरा है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्योंकि हमें जो इत्तलात मिली है, पहले साइंटिस्ट जो जा चुके हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन के बगैर आगे नहीं जाना है और लाइट्स का भी इंतज़ाम रखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, तो अगर आप भी यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से आगे भी जाने के लिए आपको रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी या सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप इस पहाड़ी के पूरे अंदर से एक्सपीरियंस करके आ सकते हैं। देखते रहे आर जे ओ। तो ये हमारा वापसी है इस वक्त। तो ऊपर अगर आप देखेंगे इस वक्त हाइट मुझे लग रहा है 10 फीट की हाइट है, कहीं जगहों पर 25 फीट है, कहीं 40 से 80 फीट के जो हाइट है जैसे ताजमहल के अंदर को देखने के मिलती है। आपको मैं थोड़ा कैमरा घुमाने की कोशिश करूंगा। ऊपर आप जो देख सकते हैं ये कहीं सारे फीट ऊपर तक यहाँ पर जो वाइडनेस है इसकी, यानी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है यहाँ इस केव के अंदर। बहुत सारी केव्स हैं, एक ही केव नहीं है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप आके देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ से आते आते हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन जब इसके अंदर दाखिल हुए तो सच में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी कोई भी थकावट नहीं है, कोई टांगों में दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है और मेरी ज़बान में भी दर्द नहीं हो रहा है इस वक्त बोलते बोलते। तो इसलिए ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम आगे ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। दे आर एक्सपीरियंसड। ओह, अगर आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़े बड़े महलात यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर ये अंग्रेज़ों के वहाँ होता, कहीं अफ्रीका में होता, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, यहाँ पर बस्तियाँ बन सकती हैं क्योंकि ये पूरी पहाड़ी है। एक अच्छा रास्ता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है यहाँ पर, रूस का रास्ता है। यकीनन ये रूस का रास्ता हो सकता है, इसीलिए कलारूस का नाम कलारूस है, लेकिन मैं यह तस्दीक खुद पर नहीं कर पा रहा हूँ। यह था जो वारिया गो फॉर योर तर्ज उन्होंने की कैद किया छुपत वापसी आसा वो। ये बहुत ही कठिन है और ये देखिए कई सारी केव्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा केव्स है सर यहाँ पर। अब देखें लोग, ये काफी अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ से हमारे जो छोटे गाइड है वो कह रहे हैं कि यहाँ से रस्सी बांधकर या सीढ़ी लगाकर ऊपर जाना पड़ता है। जरा लाइटें हमारे आगे, दरिया भी है इसमें। नेटवर्क बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ये कलारूस केव के अंदर है इस वक्त हम, जहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, उनकी बैटरीज भी मौजूद है इस वक्त, लाइट्स भी है, लेकिन फिर भी लाइट उतनी जम नहीं पा रही है जितना कि आपको पूरा दिखा सके। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जगह मैं आपको, जरा मेरे जो कैमरामैन है इस वक्त वो थोड़ा लाइट दिखाएंगे इस साइड में, क्योंकि ये जो पत्थर है यहाँ पर आपको जो लाइट यानी इसका जो रंग दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल ही कॉपर कलर है। लोग अभी आ रहे हैं, जहां हम डर रहे थे तो कई सारे बच्चे इस वक्त वापसी पर आए जो बिल्कुल ही लाइव आ रहे हैं वापस, और उनके हाथ में कई सारे लाइट्स है। देखिए आमिर भाई वगैरह भी आ गए यहाँ से मुड़कर, देख सकते हैं काफी आगे तक। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। हमारे जो साथी आए थे, जिनके साथ हम वहाँ से आए थे, और वो इस वक्त तो पूरे केव के आगे, बहुत ज्यादा आगे तक, क्योंकि पूरा तो इसको डिस्कवर नहीं कर पा रहा है कोई भी अभी तक, लेकिन फिर भी इन्होंने 100-150 की मीटर्स की दूरी उसकी मसाफात को तय पाया, और इनकी एक्सपीरियंस को हम दाद देते हैं क्योंकि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर नाइटिंगेल्स हमें नजर आ रहे थे, उस वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे थे। तो यहाँ पर जो लोग एक्सपीरियंस करके आए आगे से भी, तो
अनटचड जगह है यहाँ पे, जो अनटचड प्लेस होती है वो अनटचड जगह ही होती है। हम यहाँ आ गए मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी केव हो सकती है यहाँ पे, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल और डरावनी है थोड़ी सी। और थोड़ा सा आगे जब हम पहुँचे वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ी कम हो गई, तो इसलिए हम वापस आए वहाँ से। बहुत अच्छा हुआ एक्सपीरियंस यहाँ पे करके, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। चमकादड़ी, उन्हीं की बात हम नाइटिंगेल की कर रहे थे कि हम डर रहे थे यहाँ से आगे जाने में, लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देते हैं हम, तो आप आगे भी जाकर आए। और नहीं तो मैं खतरनाक हूँ। बहुत बढ़िया, आगे बस हम इन्हीं को दिखाने आ रहे थे, हम तो यहीं से हैं। इंशाल्लाह आते रहते हैं। काफी कठिन रास्ते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं नीचे भी एक केव है, कई सारे केव्स आपको मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पर जब आएंगे तो गाइड को साथ लेकर आए, और आगे कई सारे केव्स हैं, उन केव्स में भटकने से हम बच सकते हैं। तो हम पूरा नहीं देख पाए, आधे ही से वापस आए हैं। अगर आप जाना चाहेंगे तो आप यहाँ के किसी लोकल को साथ ले जाएं, सीढ़ी आपको मिलेगी, सीढ़ी को साथ ले जाना है या रस्सी को साथ लेना है, जिसकी वजह से आप आगे तक जा सके। शुक्रिया सर, फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।